द ट्रूथ इज सच में वजन होता है, सच कड़वा भी होता है कि जो इंडियन फौज है पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। भारतीय सेना ने जिसे मार गिराया वो पाकिस्तान का बैट कमांडो है, वही बैट कमांडो जिसे पाकिस्तान की कातिल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेते हैं दहशतगर्दी को अपने लोगों से। अब मोदी जी से आप कहते हैं आप पैगाम बड़ा भेजा आपने बात करने का, उसमें कम से कम एक जो हमलावर वो मारा गया वो उसका पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक था। बैट में आमतौर पर पाकिस्तानी सेना के विशेष बल के जवान और आतंकी शामिल होते हैं। और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे, जो और बहुत सी मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशत गर्दी करते हैं वो अलर्ट हो जाए, उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये जो सीज फायर है ये अब खतरे में है और माजी की तरह ऐन मुमकिन है एक दफ़ा फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अक्सर दोनों फौजों के दरमियान एक फायरिंग का या जो तबादला होता था तो वो दोबारा शुरू ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इतने साल हो गए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि वो अपने जो है पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा वो मुल्क। पहले आपका वीजा रिजेक्ट होता था यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, और अब आपके वीजा जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के। दे आर सिंसियर विद नेशन, दे यानी कौन प्रस्त लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, पता नहीं ये कब हुआ था लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि इंडियन आर्मी ने किसी पाकिस्तान की जो बैट कमांडो या फिर कहीं बैट यूनिट होती है उसमें से किसी को ठोक दिया है। और डिस्कशन ये भी हो रहा है कि भाई वो जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान के, उसको मार दिया गया है। ज़रा सोचिए कि लेवल कितना बढ़ चुका है इंडिया का। देखिए बात सिर्फ आर्मी की या फिर डिफेंस की नहीं है, बात जो है वो हर चीज़ की है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी वाइज हो, चाहे जीडीपी वाइज हो, चाहे दुनिया के जो मेहमान जो आ रहे हैं उसकी बात हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर किसी चीज़ में अगर आप देखो तो इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी कंपैरिजन अब बचा नहीं है। और अगर इसी चीज़ को अगर आप वैल्यू अप काउंट करो, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेन वॉश किया जाता है ना कि भाई सारी चीज़ें ठीक है लेकिन हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के अंदर ये आम चीज़ है। जैसे कारगिल के बारे में अभी भी पढ़ाया जाता है उनको कि भाई हम जीत ही गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई इंडियन आर्मी ने किसी पाकिस्तान की बैट जो फोर्स है उसके सैनिक को ठोक दिया और इसके बारे में चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंसिडेंट पेश आया है, कश्मीर का कुपवाड़ा का इलाका है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है और एज यूजुअल इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आयद किया है। जो भारतीय फौज की तरफ से बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 2 से 3 जो आर्म्ड मिलिटेंट्स थे वो पाकिस्तान की साइड से दाखिल हुए क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मौसम ख़राब था और उसका एडवांटेज लेते हुए वो दाखिल हुए और बहुत करीब से जो फौज की भारतीय फ़ौज की एक पोस्ट थी उसको उन्होंने निशाना बनाया, जिसके नतीजे में जो एक भारतीय फ़ौजी है वो मारा गया और 2 जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं और जो बाकी जिन्होंने हमला आवर थे उनको मार दिया गया है। कुछ जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं वो ज़राए से ये खबरें चला रहे हैं कि ये उसमें कम से कम एक जो हमला आवर वो मारा गया वो उसका पाकिस्तानी फौज से ताल्लुक था। बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है जिसमें दहशतगर्दों 2-3 दहशतगर्दों की जानें गई हैं और साथ ही साथ 1-2 को अरेस्ट भी किया गया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो आए दिन हम सुनते थे कभी के जम्मू के इलाके में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे अटैक किया जा रहा था, क्या अब ये कंट्रोल होगा और इसके जो जिम्मेदार हैं क्या अब वो अलर्ट होंगे या नहीं। बड़ी खबर ये आ रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंडिया के मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद के बहुत करीबी वहां पे लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है, ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया, जाने गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में। जी वहाँ पे कपवारा का इलाके में जहाँ पे रिसेंटली अभी इन्होंने जो दहशतगर्दी का एक नया वाकया हुआ है, मैं थोड़ा सा आए दिन होते रहते हैं और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा। आज से 20 साल पहले जब वहाँ पे इस तरह की
दहशत गर्दी के वाकया रूनमा हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस को और अपने बहुत सा अलर्ट करके वहाँ पे क्लियर किया। उसके बाद आप लोगों ने और मैंने पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे G20 आया, वहाँ पे आपने देखा पूरी दुनिया का इन्वेस्टर आया, और इस्लामिक ठीक है, बहुत सी डिटेल है उसमें। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ है उसमें मैं अलर्ट करना चाहूंगा, वो लोग जो इंसानों की दुश्मन है, जो जान लेते हैं इंसानों की, मैं उनको अलर्ट करना चाहता हूं कि इंडिया के जो स्पेशल पैरा कमांडोज हैं 500 वो आए हैं, शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो आए हैं और वो साफ कर देंगे। वो उन्होंने इस चीज को बहुत डीपली लेती है दहशत गर्दी को, और मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो जिहाद के नाम पे, जो और बहुत सी मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो फसादात और जो इस तरह की दहशत गर्दी करते हैं वो अलर्ट हो जाए, उनकी नींदें हराम कर दी गई हैं। ठीक है, और ये यकीन है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, रिसेंटली भी, पीछे भी और अभी भी वो करके दिखाएंगे। 500 स्पेशल पैरा कमांडोज हैं जिनका दुनिया में कोई तकरीबन वो बहुत हाई पे होते हैं, वो एक ही बंदा बहुत होता है 200 बंदे के ऊपर, ठीक हो गया, उनका पास ये जा चुका है और इसके ऊपर डिटेल में अगर मैं तो जाहिर बात है हर पाकिस्तानी, बल्कि हर वो इंसान जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, वो ये चाहेगा कि कहीं पे भी बेगुनाह इंसान की जान ना जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, किसी की भी जान जाना मतलब ये है कि इंसानियत के जो सा वो लेवल के हट के बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, हमने 76 साल कश्मीर कश्मीर पढ़ा, कश्मीर कश्मीर सुना, कश्मीर कश्मीर के नारे लगाए, प्रैक्टिकली हम क्या कश्मीर के लिए कर रहे हैं और वो लोग कश्मीर के लिए प्रैक्टिकली आपके ख्याल से क्या कर रहे हैं? भाईजान, बात ये है कि मैं बचपन से अब तक यही सुन रहा हूँ, कश्मीर में ये हो गया, आज कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये ख्वाब ही देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारी उम्र सोच ही रह जाए, ऐसी है, ठीक हो गया, ठीक है। इस इशू पे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, ठीक है, और उल्टा हमारे साइड पे गोल्डन भाई, हमारे साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हम अपने कश्मीर में मैं क्या किया अभी रिसेंटली बात है, ये जो बिल आए हैं अभी मैं बिल के इशू पे बात करूंगा उनका। आप कहते हैं कश्मीर हमारा है हर चीज, अब सिर्फ आप इस लेवल पे बात करते हैं, उधर की बिजली और इधर लाहौर की बिजली के रेट्स में कितना फर्क है, आप खुद आइए, पाकिस्तान कश्मीर आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इधर ही इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, और थोड़ा बहुत फर्क होना तो मैं समझूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर आपको दूसरी साइड पे लेके जाना चाहूंगा। मैं वहां के कुछ बातें करना चाह रहा हूँ अपनी ऑडियंस के साथ आपके तवसल से, कि कुछ दिल में बातें हैं वो मैं आज शेयर करूंगा। इंडिया के बजट पे, इंडिया ने जो रिसेंटली बजट अनाउंस किया है उसमें 4,370 करोड़ रुपए का उनका जो बजट है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे है। अच्छा, ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो है ना मीडिया देखते रहते हैं, मैं बड़ा डीपली देखता हूँ मीडिया, पहले पाकिस्तान का देखता हूँ, फिर मैं इंडिया को सर्च करता हूँ, मैं इंटरनेशनल करता हूँ, फिर भी अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो आप उसको चेक करके मुझे मैसेज में बता दे सकते हैं। अच्छा, आपका राइट है। सेकेंडली मैं ये बात करूंगा कि उनके उधर जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज्म पे, उधर के आप होटल्स पे और जितनी इंडस्ट्री वहाँ पे वो इस चीज पे काम कर रही है, जितनी सड़कों का जाल जो नया बिछा ऑन द फ्लोर उनके जो बजट की जो वजीर है डेवलपमेंट पे, उन्हें अनाउंस किया है 42,370 करोड़ रुपए, ये पाकिस्तान से भी 5,000 करोड़ ज्यादा है सिर्फ एक इलाका उनका।